हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दो तरह की चटनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप इंडियन स्नैक्स, स्टार्टर और चाट वगैरह के साथ खा सकते हैं। पहली है इमली की खट्टी मीठी चटनी और दूसरी है हरी चटनी। तो सबसे पहले हम इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ एक पैन में 2 चम्मच तेल लेंगे और उसमें मिलाएंगे 1/2 चम्मच कलौंजी और 1/2 चम्मच सौंफ और साथ ही मिलाएंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 कप इमली का पल्प। अब इसमें हम मिलाएंगे 1.5 कप गुड़ और इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि पूरा गुड़ अच्छे से पिघल जाए। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। यह है 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 चम्मच सौंठ, 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच रेगुलर सफ़ेद नमक। अब इस मिश्रण को हम पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। हम इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही ये पकने के बाद ठंडी होगी तो ये और थिक होती चली जाएगी। ये देखिए हमारा मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है और ग्लॉसी दिखने लगा है, तो इस स्टेज पर हम गैस ऑफ कर देंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। इसे आप 7 से 8 महीने के लिए फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी चटनी बनाते हैं जो कि है हरी चटनी। इसके लिए हमें चाहिए 1 बंच धनिया के पत्ते, साथ ही हम लेंगे 5 से 6 पुदीना के पत्ते, 3 हरी मिर्चें, 2 लहसुन की कलियां, 2 चम्मच नींबू का रस, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच नमक। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे पीस लेंगे। ये देखिए हरी चटनी भी बनके तैयार है। इसे भी आप फ्रीज करके स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हरी चटनी ताज़ी पीसी हो तभी अच्छी लगती है। आज की ये दोनों रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।